हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हीमोडायलिसिस यानी ब्लड डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट डायलिसिस की जो प्रोसेस है वह उन पर्सन में होता है जिन पर्सन में किडनी खराब हो जाती है। वैसे ह्यूमन में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है जो वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट और राइट साइड में एक एक होती है। इस पर भी हमने डिटेल किडनी पर स्ट्रक्चर और फंक्शन पर वीडियो बनाया है, आप देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पे वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं। और किडनी का वर्क क्या है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम कौन करता है? किडनी करता है। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करके और प्योर ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। अब किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन, और वहीं पे होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जिससे कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होकर के बॉडी से बाहर आ जाते हैं, यूरिनरी सिस्टम में आ जाते हैं। लेकिन जिन पर्सन में किडनी खराब हो जाती है उन पर्सन में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी तो कराना है क्योंकि उनका तो वेस्ट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का काम करता है वही क्या हो गया है, खराब हो गया है। ऐसे पर्सन में आर्टिफिशियल मशीन जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं, इस मशीन के थ्रू उन पर्सन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, एक डायलिसिस मशीन होता है जिसमें ट्यूब की सप्लाई कर दी जाती है। ये क्या, इसकी सप्लाई कर दी जाती है, ट्यूब की सप्लाई कर दी जाती है। और ये जो ट्यूब होता है वो स्पेशल टाइप के एक सेलुलोज पेपर का बना होता है जो कि क्या होता है, सेमी परमीएबल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सेमी परमीएबल मतलब कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही ये अपने से पास होने देगा। इस हीमोडायलिसिस मशीन के जो चेंबर है, इस चेंबर में क्या भरा जाता है, डायलिसिस फ्लूइड को फिल कर दिया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है सेम एज लाइक ब्लड की ही तरह होता है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की मटेरियल की कमी होती है। अब जिस पर्सन की किडनी ख़राब हुई होती है उस पर्सन का हम हैंड का जो आर्टरी है, इस आर्टरी का कनेक्शन हम डायलिसिस मशीन से कर देते हैं एक तरफ से, और दूसरे तरफ से इस पर्सन का वेन का कनेक्शन हम डायलिसिस मशीन से कर देते हैं। अब जो आर्टरी है डियर स्टूडेंट, आर्टरी से ब्लड इस डायलिसिस मशीन में इंटर करता है और यहाँ पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जब ये मूव कर रहा होता है इस ट्यूब से, उसी समय जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मूव कर करके इस डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। और ये प्रोसेस एक बार नहीं किया जाता है, कई बार किया जाता है, और फिर आर्टरी के थ्रू ये जो ब्लड है ये उस पर्सन के बॉडी में चला जाता है। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है इसका हम फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड का सप्लाई प्रेशर के थ्रू करते रहते हैं इस मशीन में, और जो डायलिसिस फ्लूइड मतलब उसमें इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है उसको दूसरे तरफ से हम रिमूव करते रहते हैं। ये प्रोसेस जो है कि मल्टीपल टाइम चलता है, फिर इस पर्सन के बॉडी से ब्लड को रिलीज करा करके मतलब रिमूव करके
और उसका टेस्ट करते हैं कि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन कम हुआ है कि नहीं। अगर कम हुआ है तो फिर इसकी बॉडी का कनेक्शंस डायलिसिस मशीन से अलग कर देते हैं और प्योर ब्लड फिर कुछ दिन बाद इम्प्योर होता है, तो फिर ये डायलिसिस मल्टीपल टाइम होता रहता है जब तक वो पर्सन जीवित रहता है। अब नॉर्मल किडनी जो फिल्ट्रेशन ब्लड करती है और डायलिसिस मशीन जो फिल्ट्रेशन ब्लड करती है, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि जो डायलिसिस मशीन के थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन होता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जबकि किडनी जो ब्लड फिल्ट्रेशन करती है उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना कि किडनी होती है। जितना एफिशिएंट किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है उतना अच्छा डायलिसिस मशीन नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि डायलिसिस पे जो पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल नॉर्मल पर्सन के लाइफ साइकिल से कम होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में टॉक्सिक मटेरियल इन पर्सन के बॉडी में एक्युमुलेट होता रहता है। जो बॉडी में जो हार्ट वगैरह है, दूसरे आर्गन है, उनको धीरे धीरे डैमेज करता है, और यही कारण है कि इनकी नॉर्मल लाइफ साइकिल रिड्यूस हो जाती है इन कंपेरिजन टू दोज पेशेंट विच हैव बोथ किडनी और सिंगल किडनी। लेकिन हाँ, अगर किडनी खराब भी हो जाती है तो डायलिसिस के थ्रू उस पर्सन को कुछ दिन तक सरवाइव किया जा सकता है। ये नहीं कि अब किडनी नहीं है तो वो मर जाएगा, इतना तो साइंस ने डेवलप कर ही लिया है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।